सर गाइस केम छो मजा में मैं हूँ जाना विदेश आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करेंगे पोर्शे टाइकन GTS की। जी हाँ पोर्शे जो आपके दिलों पे राज करती है। लाल तो एकदम रेड हॉट लग रही है गाड़ी। और इसकी बात करें ना तो 483 BHP की पावर ये प्रोड्यूस करते, 650 Nm का टॉर्क ये गाड़ी भाई प्रोड्यूस कर देती है ना। तो इतनी गाड़ी में ना इतनी पावर बहुत ही ज़्यादा होती है। और पोर्शे का नाम ऐसे ही नहीं जुड़ा हुआ। और ये मैं सिर्फ को पार्ट की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 3.7 सेकेंड में अचीव कर देती। और चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया क्या करो भाई, फटाफट जाके चैनल को सब्सक्राइब करो। इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर देना। यहाँ पे आगे से देखे तो यहाँ पे जो बम्पर है वो अपने को कार्बन फाइबर के फिनिशिंग में मिलेगा। पीछे का जो बम्पर है वो भी कार्बन फाइबर, एंड यहाँ पे जो ORVM है वो भी कार्बन फाइबर फिनिशिंग में मिलते हैं। और इंटीरियर में देखे ना तो भाई आपको पूरे के पूरे इंटीरियर अल्कांतारा में और नवाब के भाई कहते हैं ना कि घी में पिरोए हुए वो मिलेंगे आपको भाई। बेस्ट इन क्लास फीचर्स, बेस्ट इन क्लास परफॉर्मेंस, बेस्ट इन क्लास रिचनेस वो यहाँ पे मिलती है। कई लोग अब सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे तो ना अपना इंजन होगा, पर नहीं, ये पोर्शे और ऐसे ही वैसे कोई भाई पोर्शे नहीं है, ये टाइकन इलेक्ट्रिक है भाई, ये कोई पेट्रोल कार ये। तो आपको भाई बेहतरीन यहाँ पे देखे ना तो बूट स्पेस मिलता है, जो इसका इंजन है वो बीच में वो लगाया जाता है। एंड यहाँ पे फर्स्टली आप देखे तो इसके अंदर आपको LED मैट्रिक सिस्टम मिलता है जो काफ़ी अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे एरोडायनामिक्स बड़े उसके लिए यहाँ पे अपने को कटर्स भी हो नहीं जा रहे। आप बजट सेगमेंट की गाड़ियों में देखा होगा, बट यहाँ पर भी वो सेम चीज़ को कैरी फॉरवर्ड की जाती है। अपर अपने को छोटा मोटा सामान रखना हो तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। हम साइड बाय साइड देखते एक तरफ अपने को जो है टूल बॉक्स आएगा और एक तरफ अपने को है पेडल लाइन को दी जाती है। और साइड से देखे तो यहाँ पे अपने को पैरेली के टायर्स आते हैं भाई। पैरेली के टायर किन लोगों को पता होगा तो भाई बहुत महंगे आते हैं। और इसकी हम सेक्शन की बात करें 265, 35, 21 इंच के टायर को मिलते हैं। और हम यहाँ पे ब्रेक कैलिपर्स भी देखे तो आपको रेड कलर की इंसर्ट मिलते विच इज गिव अ ग्रेट लुक। एंड यहाँ पे तो डिस्क ब्रेक को कोई नॉर्मल डिस्क ब्रेक को यूज नहीं की जाती, यहाँ पे अपने को वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक को यूज होती है। और यहाँ पे थोड़ा सा भाई ये दरवाजा खुला है तो देखना है, यहाँ पे ऑटोमेटिक इसका जो है मिरर ऊपर चला जाता है। ये काफी मतलब क्या है ना कि फैसिनेटिंग लगता है देखने में। एंड देखो आपको फ्रेमलेस डोर वो मिलते हैं जिसकी हम क्वालिटी ऑफकोर्स बाइक बेटर होगी तो इस बार बंद नहीं हुआ शायद, डोर मैंने अच्छे से बंद नहीं किया, हाँ इस बार हो गया। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है। यहाँ पे अपने को 4 डोर है तो आपको पीछे भी स्पेस अच्छा खासा मिल जाता है। आप एंड तक बने रहेंगे मैं बताऊँगा पीछे भाई कितना स्पेस मिलता है एक्चुअल में। और इसके हम ग्राउंड क्लियरेंस भी देखें तो देखो यहाँ पर भी हो कार्बन फाइबर की हो फिनिशिंग नहीं देते हो। कार्बन फाइबर भाई किसी को ना पता हो तो एक ऐसा सब्सटेक है कि ज़्यादा हीट नहीं होता। Celsius तक ये बाइक गर्म नहीं होते तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। आप जैसे इसे ट्रैक पे या फिर कोई भी आप भगाओगे तो ये उतना मतलब बर्निंग ज़्यादा फटाफट नहीं पकड़ेगा। लेकिन इसके हम ग्राउंड क्लियरेंस पे देखें 127 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस वो मिलता है यहाँ पे। एंड टॉकिंग अबाउट पीस शेप तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स कार के तो आपको कूपे डिजाइन मिलती है। और ऊपर देखोगे ना तो यहाँ पर भाई कोई मतलब मेटल यूज़ नहीं है, पूरी पूरी यहाँ पे उनको सनरूफ मिलती है। उसके अंदर भी काफ़ी बेहतरीन फीचर हुए आपको भाई बने रहिएगा, पूरा वीडियो एकदम इंटरेस्टिंग हो रहने वाला है। बाकी यहाँ पर भी देखो इसके जो एलॉयज है ना ये देख के भाई आपकी मन भर जाता है कि यार यार एलॉयज व्हील्स वो निकल के आते हैं यहाँ पे बीच में पोर्शे का लोगो। एंड आप देखो मैं यहाँ पे पूरा बैठ गया फिर भी जो टायर है इतने तक आ रहा है तो लगेगा आप एक्चुअल में जब देखोगे ना तो बहुत बड़े टायर है भाई। एक फील एक कहे ना कि कोई छोटा बच्चा होता है ना उसे देख के एक ड्रिंक बना लेगा वो वाली गाड़ी आपको ये लगने वाली है। एंड लुकिंग फ्रॉम द बैक तो पहली चीज़ तो भाई यहाँ पे अपने टाइकन GTS की वो बैजिंग मिलेगी। और जो टेल लाइट के अंदर जो है वो पोर्शे की इतनी प्यारी वो बैजिंग की जाती है ना, आप देख के
पीआर हो जाएगा भाई। एंड यहाँ पे अपने को स्पॉइलर भी मिले जो अंदर रह जाता, फिर आप ब्रेक दबाओ तो पूरा पीछे भी आ जाएगा आपने, लाइक स्पोर्ट्स कार में देखते हो, तो ये वैसे स्पोर्ट्स कार ही है बट बुगाटी में शिरोन में देखा होगा ना वो वाला, यहाँ पे चीज़ वो यूज़ की जाती है। एंड जो ब्रेक लाइट हो यहाँ पे अपने को फेंडर पे नहीं मिलती, यहाँ पे ऊपर ग्लास में वो दी जाती है एंड डिफोगर एंड ऑल जो, बट ऑब्वियस चीज़ है ना मैं बताऊंगा नहीं कि 360 व्यू कैमरा है, अभी यहाँ पे सेंसर है, वो सारी चीज़ें मैं नहीं बोलूँगा इसमें, ऑब्वियस वो सारी चीज़ें आने ही वाली है, तो उसके बारे में ज़्यादा मतलब बोलना मेरे हिसाब से थोड़ी सी कहें ना कि इसकी इज्जत ना करना होगा। एंड हाँ यहाँ पे मैं बोल रहा था कि भी कार्बन फाइबर की यहाँ पे अपने को पीछे भी बम्पर मिलेगा वो यहाँ पे दिख रहा होगा, और इसकी जो पूरी फिनिशिंग है वो आगे तक जाती है तो एकदम प्रॉपर फिनिश होते हैं, और यहाँ से जैसे भी एयर आएगी ना तो एकदम एक्यूरेट होके पास ऑन होगी, तो ये काफ़ी मतलब छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान वो दिया जाता है ऐसी स्पोर्ट्स कार्स में। एंड हाँ यहाँ पे पीछे से देखें ना तो लगता तो है कि भाई नीचे टच तो हो जाएगी, बाकी हम इंडियन कंडीशन के हिसाब से देखें ना तो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती ये गाड़ियाँ, बट अब इतना पैसा कोई खर्च रहा है तो उसके लिए सारी चीज़ें प्रैक्टिकल हो ही जाती हैं। एंड देखते भाई बूट स्पेस में क्या चीज़ है, तो जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा एंड ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। आपने इतने पैसे खर्चे तो भाई इतना तो आराम मिलने ही वाला है आपको, एंड आराम से भाई यहाँ पे आपको 4-6 लीटर का बूट स्पेस मिल जाए, 2-3 लोगों का सामान आप एक्चुअल में लेके जा सकते हो ऑन अ लॉन्गर रूट, तो वो आपको दिक्कत नहीं रहेगी भाई स्पोर्ट्स कार है तो प्रैक्टिकलिटी के क्या होगा वो चीज़ इसमें नहीं, आपको 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट मिलता है, यहाँ पे जो स्पेयर व्हील है वो भी आपको प्रॉपर कवर के साथ वो दिया जाता है। एंड यहाँ पे अपने को दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड देखे तो वहाँ पर भी आपको छोटा मोटा सामान रखना, तो एक प्रॉपर सेक्शन भी को दिया जाता है, यहाँ पे जस्ट वन क्लिक आप इसे बंद भी कर सकते हैं। लेट्स डाइव इनटू द इंटीरियर्स, और अंदर से देखे तो भाई जो पावर विंडोज ऑब्वियसली आपको वांट टच डाउन एंड अप मिलने वाले, जो वॉल्यूम की कंट्रोल्स आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और 3 लोगों की आप मेमोरी सीट को सेव कर सकते हैं लाइक 1, 2, 3। एंड लॉक एंड अनलॉक का जो अपने VW में सिस्टम आता है वही वाली चीज़ मिलेगी, यहाँ पर भी देखो यहाँ पे अपने को है कार्बन फाइबर की फिनिश मिलेगी, ऊपर अपने को सॉफ्ट टच मटेरियल हो गया है, एंड यहाँ पे अपने को अल्कंटारा की फिनिशिंग मिलती है। एंड यहाँ पे जो बोस देख रहे हो, अरे ये तो क्रेटा वाला है, नहीं भाई ये अलग चीज़ है, अरे डॉट 19 देश का है तो फारा के पास यहाँ बोलिए तो यस गुड 19 देश का फर्क है कि 19-20 का फर्क है 19-20 का फर्क है तो कंपनी सेम है बट चीज़ें वो प्रीमियम यूज़ की जाती है। यहाँ पे अपने को 22 स्पीकर मिलते हैं भाई, इतनी गाड़ी में 22 स्पीकर आना बहुत बड़ी चीज़ है। एंड यहाँ पे देखो तो आपको इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल सीट मिलते, पर ऐसे वैसी सीट नहीं है, ये आपको रिक्लाइन तो हो गया ठीक है, ये आगे पीछे हो गया। एंड देखना आप जस्ट ये वाली चीज़ जो है आप आगे पीछे कर सकते हैं, फिर ये जो अपने साइड में मिलता है ना उसे भी आप कंट्रोल कर सकते हो भाई, ये काफ़ी अनकनोन फैक्ट है कि भाई ये चीज़ एडजस्ट कर सकते हो, ये पहले तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था बट हाँ हो रहा था भाई, क्या अलग चीज़ बनाई है पोर्शे ने। यहाँ पे देखो ये जो है आप अंदर भी कर सकते हो और बाहर भी कर सकते हो, देखो ये धीरे धीरे बाहर भी आ रहा है, एंड ये वाली चीज़ भी आप एडजस्ट कर सकते हो इस वाले बटन से, देखो शायद कैमरे में उतना ना दिख रहा होगा बट हाँ मेरे पे थोड़ा सा विश्वास कर दो भाई कि हो रहा है। एंड यहाँ पे हमको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन होगा, एंड यहाँ पे देखो वैसे मुझे मतलब अंदर बैठने की परमिशन नहीं बट सारी चीज़ मैं आपको दिखा सकता हूँ, तो मैं उस वे में आपको सारी चीज़ें दिखाई दूँ, तो यहाँ पे अपने को जो स्टीयरिंग व्हील है वो अपने को अल्कंटारा फिनिश में वो रैप किया जाता है, बीच में यहाँ पे अपने को पोर्शे का एनालिसिस कुछ ऑन मिलेगा, बाकी मुझे सुनने में तो क्रेटा जैसा ही लगा। यहाँ पे अपने को ड्राइव मोड सिलेक्टर हो गया, GTS की बैजिंग, एंड यहाँ पे अपने को वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड कॉल एनालॉग के लिए सारे कंट्रोल्स वो मिल जाते हैं, एंड जो अपने को जो साइड इंडिकेटर एंड जो लाइट की कंट्रोल्स वो अपने को VW टाइप में जो आती है फिंस वो वाली चीज़ ही मिलेगी। एंड यहाँ पे अपने को देखो बीच में डिजिटल स्पीड हो गया, यहाँ पे अपने को मोड्स दिखाएंगे, यहाँ पे अपने को RPM ओमीटर वो दिखाने वाला है, बीच में यहाँ पे तो ये टच स्क्रीन को उसके बाजू में भी उसकी भी बात करेंगे बट उस तरफ जाएंगे तब बात करेंगे, बाकी अभी तो कैमरे में शायद उतना खास ना दिख रहा हो इसलिए मैं आपको उस तरफ जाऊँगा तब दिखाऊंगा। यहाँ पे बीच में भी देखो यहाँ पे भी आपको स्क्रीन मिलेगी, यहाँ से आप अपने सारे जो है इसी के रिलेटेड कंट्रोल को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड यहाँ पे अपने को दो है
कभी उस पर सुन रहे तो हो जाएंगे, मेरे को क्लॉक नहीं जाती है। एंड मैं आपको ऊपर की तरफ, एक संदरूप है, ये संदरूप ना भाई इतनी बड़ी है कि आप देख के बस शॉक हो जाओगे, बहुत बड़ी संदरूप है। एंड इसमें कोई आगे पीछे या फिर आपको कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, आप जस्ट वन क्लिक में स्मोक की इफेक्ट ला सकते हैं, या फिर आपको बाहर का नज़ारा देखना है तो आप वन क्लिक में डायरेक्टली वो बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। वो अपने को जो सन ब्लाइंडर होता है या फिर हम कह रहे वो पैडिंग आती, वो करने की ज़रूरत नहीं होने वाली। एंड यहाँ पे देखो आप लोगों सीट के ऊपर यहाँ पे GTS की वो बैजिंग दी जाए, और इसकी जो सीट क्वालिटी भी दी काफ़ी बेहतरीन वो निकल के आती है। उस तरफ देखते कि उस बार स्क्रीन में क्या क्या वो चीज़ें निकल के आती है। एंड हाँ यहाँ से देखें तो देखो ये दोनों स्क्रीन मतलब सिमिलर काइंड ऑफ ही है, आपको ज़्यादा फर्क है नहीं ये वाली और ये वाली में। एंड यहाँ पे अपने नेविगेशन हो गया, मीडिया हो गया, फ़ोन हो गया, कॉकपिट डिवाइसेस, एंड इसके हमें सारी इन्फॉर्मेशन देखे तो यहाँ पे अपने को मेन्यू में चलते हैं एंड होम पे। यहाँ पे अपने को लाइक एप्पल का पेन एंड्रॉयड वायरलेसली कनेक्ट तो हो ही जाएगा, उसमें तो कोई शक होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पर भी देखो आपको यहाँ जो है व्हीकल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, लाइक चेसिस हो गया, फिर इसके अंदर आपको है एयर सस्पेंशन आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसके सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे अपने को एक स्पोर्ट्स साउंड भी आप ऑन ऑफ करना चाहिए, लाइक इसकी साउंड में आपको सुनाऊंगा तो क्या बेहतरीन लगता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी पर ये जो साउंड करती है ना वो पेट्रोल और डीजल कार से भी कई ज़्यादा बेहतर करती है। एंड यहाँ पे आपको सारी मतलब कि स्क्रीन में ऐसे कुछ खास चीज़ें हैं, बट आपको भाई ज़्यादा टाइम इसके साथ बिताओगे तो आपको पता चलेगा। मेरे तो भाई उतना खास टाइम व्यतीत नहीं किया है तो मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, और वैसे भी मुझे अंदर बैठने की ऐसे परमिशन है नहीं तो इतना ही मैं आपको बता पाऊँगा। बाकी पीछे से देखे तो पीछे क्या है तो यहाँ पे देखो वही सेम चीज़, यहाँ पे अपने को सॉफ्ट टच मटेरियल हो गई, यहाँ पे अपने को कार्बन फाइबर की फिनिशिंग मिलती है, एंड यहाँ पे अपने को पावर विंडो अप एंड डाउन करने के ऑप्शन मिलते हैं। बाकी यहाँ पे एक लीटर की बोतल शायद बैठ सकती है, मुझे तो लगता है कि कंजेस्टेड होकर बैठ जाएगी। एंड यहाँ पे अपने को है आर्मरेस्ट मिलता है विद द टू कप होल्डर्स, एंड यहाँ पर भी अपने को GTS की बैजिंग मिलेगी। बीच में भी जो है यहाँ पे अपने को एड्रेस मिल जाएगा, बट शायद यहाँ पे बच्चा ही बैठ पाएगा, बड़ा तो यहाँ पे नहीं बैठने वाला। यहाँ पर भी आप अपने अकॉर्डिंग जो है इजी कंट्रोल कर सकते हो, और यहाँ पे उसके स्क्रीन भी दी जाती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो मुझे कमेंट में बताएगा, और ये वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।